एस ट्वेंटी फोर अल्ट्रा फाइनली आ चुका है फर्स्ट इंप्रेशन में इस वाले फोन के ए आई का हमने आपको ट्रेलर दिखाया कैमरे के अंदर स्लो मोशन हो रहा है क्वालिटी इंक्रीज करी जा रही है वीडियोज में फोटोज में हर जगह ए आई लगा रखा है फिर फोन में एक्चुअली ए आई आपके दोस्तों से बात कर लेता है काफी सारे ट्रांसलेशन वाले फीचर थे टेक्स्ट वाले फीचर थे डिस्प्ले में काफी सारी सीक्रेट चीजें हैं बेटीनियम बॉडी है हर चीज में भाई छोटी छोटी ऐसी चीजें जो हमने पहली बार में अंधेगा कर दिया था बट अब हाथ में आ चुका तो पूरी पिक्चर इस वीडियो में आपको देंगे। लेट्स गो सबसे पहली चीज एआई ने दुनिया लपेट ली यहां पे भी गैलेक्सी ए आई इसको खोल लेते हैं। काफी अच्छा सा प्यारा सा टेक्सचर है ये हमारा फोन निकल रहा है इसके अंदर ब्लैक कलर का कर डब्बा है एंड ऑफ़ कोर्स अनबॉक्सिंग कंप्लीट जो बेसिक चीज है सिम टूल केबल और आपकी कुछ पुस्तकें वो सारी आपको तो देखने के लिए मिल जाती हैं। वैसे टाइटेनियम ग्रे टाइटेनियम ब्लैक टाइटेनियम वॉयलेट तीनों ही कलर्स हमने आपको दिखाए दें बट इसमें स्पेशल एडिशन वाले ऑरेंज ग्रीन और ब्लू कलर भी आप लोगों को पता है आपको कौन सा कलर पसंद आया आज भाई ने ग्रीन कलर पहना है, बट ऑरेंज कलर मजा ही आ जाता अगर इसमें आप करोगे अल्ट्रा से मैं कंपेयर कर इसमें साइड थोड़ी पतली पतली और चमकीली वाली साइड थी इस बार एस ट्वेंटी फोर अल्ट्रा में भाई एकदम ही एक मैट फिनिश में टाइटेनियम की साइड दे रखी है पहले ना कर्व थोड़ा सा एडजस्ट से ज्यादा इस बार एकदम नुकीला होगा तो अगर आप हाथ में पकड़ोगे थोड़ी देर तो आपका हल्का सा एक निशान तो आ जाएगा बट इस बार डिस्प्ले फ्लैट डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है हाइट में हल्का सा फर्क है और वो इसलिए क्योंकि भाई बेजल कम कर दी है। अब चारों तरफ से भाई बराबर बेजल आपको देखने मिलेगी। course, एक सा किनारा भी आपको गोरिल्ला ग्लास आर्मर है एक स्मार्ट व्यू वाला केस बना रखा है इसमें खिड़की उल जाती है एंड ये वाला केस बना रखा है ये थोड़ा प्रोटेक्शन वाला ज्यादा एक और जिस मतलब स्टैंड वैंड भी बना सकते हो बट मैं तो बोलूंगा टाइटेनियम फील करने में अलग मजा और मैं आपको एकदम

आप घुस इसमें आपको 2600 सिक्स नीट्स की ब्राइटनेस मिलती है वेट में एक्चुअली हाथ में पकड़ने में थोड़ा हल्का लगता है बट बस एक ग्राम का ही फर्क है भाई अब आ गया टाइम भाई वैसे मैंने पूरा ज्यादा दर्द नहीं देना चाहता इसलिए कोने में छोटा सा बस टेस्ट करेंगे मैंने पूरी जान लगा के घिसा था बट तब भी स्क्रैच नहीं मार पाया और ये मुझे पर्सनली काफी सॉलिड लगा भाई पुराने वाले से एक अच्छा खासा बड़ा फर्क आपको दिखेगा भाई ये गाना पता नहीं किसी को शायद याद हो इनिशियल यूट्यूब डेज सब ये बजाते थे सैमसंग <connaissance> ने भी ज्यादा मेंशन नहीं करा स्पीकर्स के बारे में बट भाई स्पीकर्स बहुत तगड़े ये जो गेमिंग स्मार्टफोन आते हैं ना बड़े बड़े से स्पीकर के वाले भाई उनको टक्कर देगा ये बैक में ऐसे ग्लास ही है इस फोन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एआई हमने फर्स्ट इंप्रेशन में आपको बस झलक दिखाई थी आप पूरी मूवी दिखाते हैं लेट्स गो सबसे चीज एक बहुत सिंपल सा फीचर है कि आप बस इसको होम बटन को प्रेस एंड होल्ड करोगे तो आप किसी भी चीज को सर्कल कर सकते हो एंड आपको बता देगा वो कि भाई वो क्या है इमेज पहले कुछ एप्लीकेशन ऐसे गूगल लेंस है और भी कुछ एप्लीकेशन आती है जिससे आप कर सकते हो बट उसमें बहुत मुश्किल होता है इसमें मेरे को ऐसे गूगल खोलना पड़ेगा फिर स्कैन करना पड़ेगा फिर बटन दबा के मेरे को खींच के चेक करना पड़ेगा तब जाके सर्च करेगा इसमें फायदा ये होता है कि ना मुझे स्क्रीन लेना है ना फोटो लेनी है मैं कहीं पे भी समझ लो मैंने ऐसे ढूंढ दी ये जो वेंकी भाई बाहर निकले थे तो उन्होंने रस्ते पे चलते हुए अपने दोस्त को देखा उसी को क्विकली सर्कल मार के आइडिया लग गया कि भाई ये कपड़े कहाँ से लिए थे समझ लो आप इंस्टाग्राम पे गए आप हमारी रील देख रहे हो मैंने ऐसे एंड होल्ड करा यहाँ पे तो देखो इसने दिखा दिया मेरे टेप मेजर सेट इसने बता दिया यानी ये लाइव में इसको ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ सर्कल करके आपने जो इमेज सेलेक्ट करी है ना उसका क्वेश्चन भी डाल सकते जैसे पाव भाजी की फोटो मैंने इसको ऐसे स्कैन करूंगा एंड मैं भाई से पूछ लूंगा वेयर कैन आई फाइंड दिस ये बता रहा है कुक विद मनाली पे मिल जाएगी समझ लो आप ऑफिस में हो कॉलेज में हो आपने सर लिखते जा रहे हैं आपने फोटो खींची पूरा स्कैन हो होता कॉपी करके पेस्ट कर दो सर को वापस मैसेज कर दो कि लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको किसी लड़की का पर्स चेक करना है कौन सी कंपनी का है भाई हेयर स्टाइल चेक करना है कहाँ से कटवाया जो भी आप चीजें चाहते हो आप सारी चीजें सर्च कर सकते हो सेलेक्ट करके एंड ये फीचर तो बस स्टार्टिंग है हर चीज में ए लगा रखा है जैसे अगर आप वॉलपेपर भी खोलोगे यहाँ पे एक जनरेटिव ए आई है आप जाओगे अपना वॉल आप ए से बना सकते हो जैसे एक इमेज इमेजिनरी स्टाइल है ये मिनरल है लुमिनस ब्लूम मेरे को इमेजिनरी वाला पसंद आ रहा है मैं बोलूंगा भाई लैम्प लूम बना दे यार इसको अच्छा सा शेड्स ऑफ पिंक एंड पर्पल ये देखो बना रहा जादू चल रहा ये देखो ये सारे ए आई जनरेटेड वॉल पेपर है जगह हम कर देते हैं फेल्ट कैसल वन टू थ्री वो वो भाई बहुत प्यारा है ये देखो कितना सुंदर है ये कैसल भाई रूई का महल बनवा दिया भाई मैंने इससे आर्गोनाइट बनाएंगे विद वाइब्रेट अब आप बोलोगे वॉलपेपर तक तो ठीक है बट ए आपके दोस्तों से अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करेगा आपके लिए इसमें बेसिकली अगर आप कोई भी कॉल करते हो आपके पास एक ए ट्रांसलेशन वाला फीचर आ जाता है यहाँ से ए आपके दोस्त से बात करेगा आपकी गर्लफ्रेंड से बात करें जिससे बात करानी है उससे बात, उस बात करेगा ट्रांसलेट करके जो आप बोलोगे उसको ट्रांसलेट करके सामने बोल दो एंड जो सामने से आवाज आएगी उसको ट्रांसलेट करके आपको सुना देगा वेकेशन में फ्रेंच फ्रांस पहुंच के आप वहाँ पे मदमजल को आपको बोनजूर नहीं समझ आ रहा वहाँ पे आप नंबर तो ले आए बोल के कि हार्ट टू हार्ट करके आप फ्रेंच में कैसे बात करें मैं आपको बताता हूँ ये यहाँ पे अपने फ्रेंच को यू कैन कॉल मेरी दोस्त के साथ कौन फ्रेंच फ्राइज खा रहा है यहाँ पे कॉलिस्ट का फीचर आ रहा है इसका आपको जमाना समझ लो आपने अपनी दिल की भाषा हिंदी में समझाई उसको कि आपको बताना पड़ेगा कि मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ ये बस आपको बोलना है

भाई को भी थोड़ी आसानी हो जाएगी मुझे दाल चावल खाना है आई दाल राइस बेसिक बेसिक चीजों के लिए से काम करता है आप एकदम कॉम्प्लेक्स हालचाल पूछने रख जाओगे ये वैसे गूगल ट्रांसलेट से भी आता है इसमें खास बात है कि ऑफलाइन भी चलेगा तो समझ लो आप किसी और कंट्री में गए और आपका इंटरनेट नहीं भी चल रहा है तब भी ये काम करेगा इस फोन के अंदर चैट में भी ए लगा रखा है जो आप ट्रांसलेट करोगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कौन सी लैंग्वेज है एंड उसको ही ट्रांसलेट कर देता है एंड जो आप मैसेज भी भेज रहे हो वो उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करके दूसरी तरफ भेज देगा तो आप पूरे दिन बैठ के बात कर सकते हो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपको नहीं आती एंड ये बेसिकली नॉर्मल

आप उसको बस बताओ ये क्या करना है अनु ऑटोमेटिकली दिमाग लगा के उसको ठीक कर दे देखो मैं इसमें बताता हूँ Why are you so mad? अब इसको प्रोफेशनल अगर बॉस को रिप्लाई करना ये करना है बॉस को रिप्लाई करना है तो, Why are you so perversion? <laughs> बॉस को समझ नहीं आएगा बोल रहा बोल रहा है अरे थैंक यू भाई हाँ एक दो चीज़ें और आप किसी भी फोटो को रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो इसको मैंने ये अपनी फोटो ली इसको मैंने सेवा स्टिकर भी कर सकता हूँ तो ये मेरा स्टिकर बन गया अब अलग अलग स्टाइल में स्टिकर आया ये कार्टून वाला बना दिया ये पिंक बना दिया ये अलग सा बना दिया कटआउट टाइप बना दिया तो ये स्टिकर सेव और उठा गया ऐसी पहनना है तो ये वो एक चीज और काफी कूल लगी है ना ग्रुप मैसेजेस को भी समराइज कर देता है तो समझ लो आपकी चार्टे वाइटे चल रही है बात करते आते हैं गुड मॉर्निंग ये चले जा रही है उनके आधे आधे घंटे एक बार आप समरी वाला बटन दबाओ और ये कार में बहुत बढ़िया काम करता है आप कार में उसको दबाओ पूरी समरी आपको पढ़ के सुना दे क्या बातें हो रही थी आधे घंटे में दो मिनट में बता दी इस फोन में जो ऑडियो रिकॉर्डर है उसके अंदर भी ए है समझ लो आप कॉलेज वाले बैठो मैडम पढ़ा रही है तब आपको सोना है होता है यार भाई के साथ भी होता है यार एमरजेंसी आ जाती है तो अपना वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन लगा के छोड़ दिया मैडम जो जो बोल रही है सारा रिकॉर्ड होता है यार ऑफिस है है में।, तो <laughs> में भी कर सकते हो वहां थोड़ा रिस्क ज्यादा बढ़ा है बस बट <laughs> रिस्क है तो है भाई। मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजों में लगा रहा अब जैसे मैं, से ही मैं ऐसे कोई लिख देता हूँ इसमें मेरी तो ऑफकोर्स भाई की एकदम वर्ल्ड क्लास है बट इसको भी ए से हैंड राइटिंग वो साफ कर देता है मैंने छोटा सा अपने दिल के थॉट्स लिखे थे जैसे ही मैंने ए को दिया ए ने उसको पूरा शॉर्ट कर दिया एंड इसके अलग अलग स्टाइल्स हैं आपको ब्लू में करना है येलो में करना है सारी चीजें ऑटोमेटिकली अच्छे से शॉर्ट कर देता है मेरे को एक चीज और काफी तगड़ी लगी कभी कभार ना वेबसाइट में बहुत ही लंबे लंबे आर्टिकल आ रखे होते हैं आपको पूरी वेबसाइट जो बीस तीस पेज है सबकी समरी आपको एक पेज में बता वो तो बेसिकली जहां भी आपको सितारे दिख जाना यहाँ पे यहाँ पे वहाँ पे ए अपना जादू चला रहा है एक चीज और मेरे को काफी खुल गई ए आपको

आप एक नॉर्मल फोटो की तरह खींच सकते हो उसको ऑलमोस्ट इंस्टेंट फोटो की तरह खींचती है भाई एस इसमें भी अपग्रेड करा है ये वाली आप वीडियो देख सकते हो इसमें हमने पूरा जान लगा के शेक करा बट एक्चुअली वीडियो में इतना ज्यादा शेक नहीं आ रहा सेल्फी में भी कलर अच्छे हैं जो एक्चुअल फोटोज निकल के आती हैं भाई वो भी काफी ज्यादा क्रिस्प है क्लियर है हमने थोड़ी बहुत फोटोज ली थी एस ट्वेंटी अल्ट्रा से कलर में थोड़ा सा मेरे को फर्क फील हुआ इसमें हल्का cool सा कूल साइड में है फोटोज हमने नाइट मोड भी टेस्ट करा पुराने वाले से डिटेल्स काफी ज्यादा इम्प्रूवड है एंड फोटो खींचने में बोलूंगा पच्चीस से तीस कम टाइम लेता है भाई AI से फोटोज में अलग ही लेवल की एडिटिंग हो रही अब देखो फोटो तो आपने खींच ली फोटो में दिक्कत होती है कभी आंख बंद आ गई कभी बाल इधर उधर हो गए कोई दिक्कत नहीं भाई ए आ गया ना समझ लो मैंने ऐसे सेल्फी खींची इसमें एक आंख बंद है इसको मैं एडिट में जाऊंगा मैं इसको कर दूंगा गैप अब कर दूंगा मैं जनरेट <laughs> भाई क्या लग रहा है आँख लगाएगा या कुछ और? ओ भाई ये देखो मेरी नई आँख लगा दी है देखो ये पहले बंद थी खोल दी, दी आँख। भाई ने आंखें खोल दी हेयर स्टाइल नहीं पसंद आ रहा ठीक है आपने अपना हेयर स्टाइल सेलेक्ट करा ये देखो। इसको नए बाल लगा देता हूँ ये देखो भाई ये देखो ये मेरे पुराने बाल ये नए बाल भाई बाल छोटे कर दिए भाई ने और बिल्कुल मजाक नहीं भाई किसी अगर बंदे को मैं दिखाऊं ना ये फोटो वो पहचान नहीं पाएगा कि एडिटेड है आंखें खोल दी बाल चेंज कर दिए है भाई हेयर स्टाइल चेंज हो गया भाई का समझ लो वाली फोटो है इसमें भाई खड़ा पीछे बैकग्राउंड है हमने गायब कर दिया मेरे को और

लगा। मैं वेंकी भाई को उठाऊंगा पे और वेंकी वेंकी भाई भाई को को टैप करके मैं लगा वेंकी भाई को मैं पीछे खड़ा कर देंगे ये देखो भाई अब ऐसा लग रहा है ना वेंकी पीछे खड़ा भाई अब मैं अकेला नहीं रहा वेंकी मेरे साथ है भाई उसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पे कभी कह खाना गिर जाता कपड़ों पे वो गायब कर दो देखो मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें नहीं कर पाता क्यों हमने सब ट्राई कर लिया देखो हाइट नहीं बढ़ा हुआ दो पैर की जगह चार पैर लगा देगा और प्लस फेस नहीं गायब कर पाता फेस पूरा गायब नहीं हो बंदा गायब करना तो वो कर सकता है सबसे तगड़ी चीज मेरे को इसमें ये लगी कि जितने भी फीचर्स हैं 90 परसेंट फीचर्स आपके फोन पे ही काम कर रहे हैं तो ये डेटा आपके फोन से बाहर कहीं पे भी नहीं जाता क्योंकि ज्यादातर जितने भी और ए टूल है उसमें मेरे को डर लगता है यार अपनी फोटो तो भाई मेरी फोटो कहीं मेरे को गूगल सर्च पे कहीं पता चल रही है मिल रही है वो सब होने के चांसेस बिल्कुल नहीं ये हमने सैम्पल्स लिया आपकी मेन लेंस है जिसमें आप कलर देख सकते हो सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट सारी चीजें भाई पिछली

लेते हो उसको अगर आपको स्लो मोशन करना है बहुत ज्यादा जिटर होता है पांच दस मिनट का टाइम लग जाता है रेंडर रेंडर करने में सब करने इसमें बस आप एक टैप कर रहे हो एंड होल्ड कर रहे हो और वो बहुत स्मूथली भाई 120 fps स्लो मोशन में कन्वर्ट हो जाती वीडियो हमने 24 fps की 4k वीडियो एक टच से स्लो मोशन कर दी भाई ये बहुत बड़ी बात है ज्यादा लोगों को शायद पता ना चले बट भाई ये चीजें रियल टाइम में कर पाना बहुत बड़ी बात है किसी एक स्मार्टफोन के और एक खास चीज है कि आप ना बस इसके लिए भी वीडियो आप कोई भी वीडियो स्लो मोशन कर सकते एक और चीज है पिछली बार वाई फाई सिक्स था इस बार वाई फाई सेवन हो गया वैसे ऑन पेपर चार गुना ज्यादा बेटर है बट हमने नोटिस करा पिछले वाले फोन में हमारी सेवेंटी फाइव एमबी स्पीड आ रही है इसमें एक सौ दस हो गई भाई डेफिनेटली आपको वाई फाई की स्पीड में फर्क पता चलेगा आईपी सिक्सटी एट रेटिंग है तो पानी में जाके भी स्लो मोशन वीडियो लेनी है समुद्र के अंदर जाके नमकीन पानी में थोड़ा दिक्कत होगी आप तालाब में जा रहे हो तो ले लो मगर मच वाले तालाब में मत लेना वैसे बैटरी सेम ही है पुराने वाले से डिस्प्ले ब्राइट कर दिया जाता बट बैटरी कम खर्च होती है पता नहीं कैसे डिस्प्ले <laughs> में काफी सारी ऑप्टिमाइजेशन करी है और अंदर भी मेरे हिसाब से करी गई होगी मैं बोलूंगा पांच से दस हमारे एक्सपीरियंस में बेटर थी बैटरी उसके अलावा नॉक्स का भी मेट्रिक्स एक उन्होंने एड कर रखा है उसमें बेसिकली थोड़ा प्रोटेक्शन एड हो जाती है एंड नॉक सिक्योरिटी की वजह से जो ए वाला डेटा है वो काफी सेफ रहता है पढ़ भाई सारा ए आई एक तरफ एंड परफॉर्मेंस भाई की एक तरफ मतलब भाई की नहीं इस, इस भाई की स्नैपड्रैगन का एट जेन थ्री आपको इसके अंदर देखने के लिए दे मिलता है देखो मैं बता इससे ऊपर और कुछ आता नहीं है तो बढ़िया भाई गेम चेक करना भाई का कर्तव्य मैं आपको करके दिखाता हूँ गेमिंग में आपको भाई डेफिनेटली मजा तो आया, क्योंकि पूरा फ्लैट स्क्रीन है इसमें अल्ट्रा एच पे आप एक्सट्रीम पे खेल सकते हो एच डी पे एक्सट्रीम है सॉफ्टवेयर अपडेट है, से। भाई लग रहा है। मैं टीवी पे खेल रहा हूँ काफी बड़ा सा डिस्प्ले पूरा स्कोरिश था अनकम्फर्टेबल है भाई लेकिन जो मजा है ना भाई गेम खेलने का मजा तो है भाई जो है बहुत लग रहा पीछे 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 से 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 नहीं नहीं पीछे नहीं ओह गेम तो चल रही मजा आ रहा मतलब डिस्प्ले है इस स्मार्टफोन का प्राइस एक लाख से मतलब कुछ चंद पैसे कम है बेसिकली <laughs> पिछली पांच हजार रुपए का इंक्रीज है मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है जितने भी फीचर्स ऐड करें जितनी भी चीजें करिए मैं आपको एकदम ऑनर बताऊं एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा से भी सॉफ्टवेयर में एक काफी बड़ा अपग्रेड है हार्डवेयर में कुछ कुछ चीजों में अपग्रेड है बट भाई सॉफ्टवेयर में एक बहुत ही बड़ा जंप है यानी काफी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि सैमसंग जो टॉप के स्मार्टफोन्स निकालता है वो ऐसे सड़क बनाती है काफी सारे और स्मार्टफोन्स के लिए तो और भी काफ़ी सारी कंपनीज में आपको ए आई वाले फीचर्स सबको अब ऐड करने पड़ेंगे एंड इन ए आई वाले फीचर्स के लिए मैं पर्सनली काफ़ी ज्यादा एक्साइटेड आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई अगर आई हो तो सब्सक्राइब कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो लेके आते रहेंगे और भी बहुत सारी चीजें लेके आएंगे सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट